हेलो फ्रेंड, मैं हूं गौरव एंड स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी फर्स्ट में। तो गाइस, मैंने अपने फर्स्ट इंट्रो वीडियो में कहा था कि मैं ऑफशोर सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑफशोर क्या होती है, ऑफशोर लाइफ क्या होती है एंड इमरजेंसीज क्या क्या होती है ऑफशोर के अंदर। तो गाइस, ऑफशोर का मतलब होता है गाइस आप समुद्र के किनारे, समुद्र के बीच, तट से दूर, तो वो होता है गाइस ऑफशोर। अगर आप लैंड पे जॉब कर रहे हो, धरती पे जॉब कर रहे हो तो ऑनशोर, अगर आप समुद्र में जॉब कर रहे हो तो ऑफशोर। तो गाइस काफी डिफिकल्ट लाइफ होती है गाइस। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आप फैमिली से दूर होते हो, इतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं रख पाते हो। 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में कॉल करते हो, साल 6 महीने में घर आना होता है गाइस। तो इसलिए काफी डिफिकल्ट होती है, काफी फैमिली पेरेंट्स लोग अलाउ नहीं करते हैं ऑफशोर के लिए। बट गाइस जो ऑलरेडी सेफ्टी फील्ड में है और उनको सेफ्टी की नॉलेज है तो उनको पता है कि जो ऑफशोर का एक्सपीरियंस है वो काफी मायने रखता है आपके सेफ्टी करियर में। क्योंकि गाइस अगर आप ऑफशोर में सेफ्टी रख सकते हो तो आप कहीं भी सेफ्टी इजीली रख सकते हो, क्योंकि जो ऑफशोर की सेफ्टी होती है गाइस वो यहाँ होती है। वो कितना रिस्की है गाइस, तो रिस्की क्यों, तो हम बात करते हैं हमारे कुछ इमरजेंसीज के बारे में। क्योंकि सबसे पहले इमरजेंसी होती है हमारी फायर, ओके गाइस। दूसरा होता है हमारा अबैंडन शिप, यानी हमारा जहाज गिर जाना या जहाज डूब रहा हो उसे हम अबैंडन शिप कहते हैं। तीसरा हो गया गाइस हमारा मैन ओवर बोर्ड, यानी कोई पर्सन पानी में गिर गया, ओके गाइस। और हमारा होता है H2S गैस लीक होना, क्योंकि गाइस ऑयल एंड गैस फील्ड है तो गैस तो टॉक्सिक्स होंगी, ओके गाइस। एंड चॉपर क्रॉसिंग होना, जैसे जो चॉपर्स जा रहे होते हैं तो कुछ टेम्परेचर के कारण, हीट के कारण, यानी उनको सिग्नल नहीं मिलता है तो काफी दिक्कतें आ जाती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। और स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाना है, हमारा प्लांट गिर जाना है, हमारी मशीन्स गिर जानी। तो गाइस जो हमारी इमरजेंसीज है इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलार्म साउंड्स हैं। यस गाइस, अलार्म साउंड गाइस इसलिए क्योंकि हमें इंडिकेट करते हैं कि किस टाइप की इमरजेंसी आई है, ओके गाइस। क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड होता है, हर जगह अलार्म बेल लगे होते हैं, तो अगर फायर हो जाए तो किस टाइप का अलार्म साउंड बजता है, अगर स्ट्रक्चर कॉलेप्स हो जाए तो किस टाइप का अलार्म साउंड बजेगा, मैन ओवर बोर्ड हो जाए, अबैंडन शिप हो जाए तो किस टाइप का अलार्म बेल बजता है। तो गाइस वो आप मेरी पीपीटी पे चेक कर सकते हो, ऑलवेज की तरह इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना गाइस प्लीज। और गाइस तो आप बात करते हैं गाइस ऑफशोर रिस्की क्यों है। गाइस सपोज कीजिए कि आग लग जाती है लैंड पे, ओके गाइस। तो लैंड पे अगर आग लग गई तो आप क्या करो, उसको फेस करोगे, अगर फेस नहीं करोगे तो आप भाग जाओगे, कोई इमरजेंसी कॉल करोगे लाइक फायर ब्रिगेड। बट ऑफशोर में आग लगती तो गैस क्या करोगे, 5 मिनट लगते हैं गैस, बिल्कुल 5 मिनट में गैस हमारा पूरा ऑयल गैस फील्ड ब्लास्ट हो सकता है। और ब्लास्ट हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप शिप पे जाओगे जल्दी जल्दी, अगर नहीं पहुंच पाए या जंप करोगे पानी के अंदर तो गैस पानी में वेल, शार्क, काफी इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक गैसेस होती हैं। तो गाइस और किस टाइप का हमारा वेदर है, हमारा सी रफ है या नहीं, हमारे बहुत बहुत गाइस रिस्की हो जाता है ये अगर जब फायर हो जाता है। तो गाइस यही एक बहुत बड़ा रीजन है जो हमारे ऑफशोर को रिस्की बनाता है। तो गाइस काफी लोग बोलते हैं कि ऑफशोर का बंदा चेंज हो जाता है, तो गाइस चेंज नहीं होता है। जो मैंने ऑब्जर्व किया गया, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑफशोर के अंदर, वो गाइस ये है कि वहां पे बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाता है। क्योंकि अगर हम लैंड पे हैं, इनफैक्ट मैं ऐसा करता नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ चिप्स खा रहा है, कोई नमकीन खा रहा हूँ, बिस्किट्स खा रहा हूँ, तो मैं उसका रैपर हूँ, रैपर मैं उसको वहीं पे फेंक देता हूँ सपोज कीजिए, बाकी मैं उसको डस्टबिन में डिस्पोज करता हूँ, बट हम बता रहे हैं हम वहां पे फेंक देते हैं। बट गाइस ऑफशोर में ऐसा नहीं है, ऑफशोर में अगर आप कुछ रैपर या कुछ कागज फेंक देते हो कहीं भी, और अगर वहां पे कहीं आसपास कुछ हॉट वर्क चल रहा हो लाइक गैस कटिंग या वेल्डिंग हो रही हो, जो उसको हॉट स्पेक्टर है, जो उसके स्पार्क अगर वो गिरते हैं उस पन्नी पे, और उसके आसपास कहीं कोई गैस लीक हो रखी हो या फिर फ्लेमेबल मटेरियल पड़ा हो, डीजल वीजल गैसोलीन टाइप का, तो गैस क्या होगा, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना गैस। तो इसीलिए लोग काफी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो गैस एक यही रीजन है ऑफशोर को रिस्की जो बनाता है। और गैस वहां पे एक बंदे की गलती से पूरी टीम को भुगतना पड़ता है, इसलिए वहां पे बहुत कम लोग गलती करते हैं, क्योंकि काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको पता होता है कि भागने का कोई चांस नहीं है, चारों तरफ समुद्र है, कहां जाएंगे। तो गैस ये था हमारा जो इमरजेंसीज है।
तो आप मेरी पीपीटी में चेक कर सकते हो इनके साउंड अलार्म किस टाइप से बजते हैं। तो गाइज, तो प्लीज अगर आप ऑफशोर में जा रहे हो तो प्लीज उसको हल्के में मत लीजिए, इजिली मत लीजिए, सेफ्टी पूरी रखिए, प्रॉपर रखिए। एंड जो ऑफशोर का जो बंदा होता है वो कहीं भी सेफ्टी रख सकता है, अगर वो ऑफशोर में सेफ्टी रख सकता है। ओके गाइज, तो प्लीज आप हमारे पीपीटी पे एक नजर डालिए। ओके, थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय।